गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने हिंदी में पाठ पढ़ा था और मैंने आपको शब्द दिए थे पार्ट तीन के। आज हम उसके प्रश्न उत्तर और खालिस्तान करेंगे। तो पहले हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सालू को भालू कहाँ मिला? कहाँ मिला था सालू को भालू? सालू को भालू रास्ते में मिला। सालू को कहाँ जाने के लिए देर हो रही थी? सालू को स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी। तीसरा, सालू कौन कौन से दिन स्कूल जाती थी? सालू सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को स्कूल जाती थी। सालू को कौन सी किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता था? सालू को कहानियों और कविताओं की किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। अब खालिस्तान, ये खालिस्तान में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें आप फिल करना है। पहला, भालू ने बड़ा सा डैश पहना हुआ था। क्या पहना हुआ था भालू ने? चश्मा। दूसरा, तुम मेरी डैश पर सवारी कर सकती हो, इसमें आएगा पीठ। तीसरा, मैं डैश चांद और तारों के बारे में पढ़ती हूँ, तो इसमें आएगा सूरज। फोर्थ है, अब जल्दी से मेरी पीठ पर डैश कर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें डैश पहुँचा देता हूँ, तो इसमें आएगा पहले वाले में उछल और दूसरे वाले में स्कूल। उसके बाद फिफ्थ, सालू को भालू की पीठ पर डैश करने में बहुत मज़ा आ रहा था। क्या करने में? सवारी। तो ये जो प्रश्न उत्तर है और खालिस्तान है, इसे आपको अपने हिंदी की कॉपी में पार्ट तीन में करना है। यस्टरडे वी रीड द चैप्टर चैप्टर नंबर 3, द हैंड द एलिफेंट, एंड टुडे आई विल गिव वर्ड मीनिंग एंड टीक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आपको क्या, फर्स्ट में आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग करना है। जैसे पहला दे रखा है, प्लेमेट, समवन हू प्ले विद स्नैक्स, लाइट मील्स, वंडरफुल, गुड, अमेजिंग, डिलीशियस, टेस्टी, बंच, ग्रुप, क्रॉस टू स्क्वीज। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग करना है। उसके बाद हम आते हैं टिक द करेक्ट आंसर पे। उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग के बाद आपको टिक द करेक्ट आंसर करना है। जैसे कि फर्स्ट है द एलिफेंट वॉज, तो ए और बी ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। तो फर्स्ट है वेरी स्मॉल, वी का ऑप्शन है वेरी लास्ट, तो इसमें वेरी स्मॉल आएगा। सेकेंड है डैश अराज बिटवीन दैम, डिस्प्यूट, हु कॉल द हैड द बिगेस्ट वन, किसने कहा था कि कितना, मतलब इतना बड़ा खरगोश मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो गर्ल ने, तो उस पर। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स के साथ, आपको उसको भरना है। द एलिफेंट पुल्स डाउन विक्स बंचेस ऑफ बनानास। सेकेंड में द हेयर एट ब्राइट रेड डैश कैरेट, ठीक है। और थर्ड में यू मस्ट बी डैश केयरफुल। ओके, तो आपको वर्ड मीनिंग, टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। प्लस में आपको करना क्या है कि इसके टिक द करेक्ट आंसर लर्न भी करने हैं। ओके, तो चैप्टर नेम नंबर डाल के, चैप्टर नेम डाल के आपको अपना ये होमवर्क स्टार्ट करना है। आज मैथ्स में मैं आपको कुछ अलग कराऊंगी, आपका चैप्टर सेकंड स्टार्ट कराऊंगी, थ्री डिजिट्स नंबर्स। ये आपको मैंने आपको करा दिए थे जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी हमारे, तो मैंने आपको पहले समझा दिए थे नंबर नेम्स कि कैसे हम लोग एक नंबर नेम्स लिखते हैं, कैसे किस वंस देख के, हंड्रेड देख के, टेंस देख के। फिर मैंने बताया था कि इसको हंड्रेड कहते हैं, इसको टेंस, इसको वंस, ऐसे करके हम नंबर नेम्स लिख सकते हैं। हमें दिक्कत नहीं आती है फिर स्पेलिंग्स वगैरह लिखने में। तो पहले आपको क्या करना है, 101 से 200 तक की तो काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। 101 से लेकर 200 तक आपको काउंटिंग लिखनी है। देखो ये ऊपर दे भी रखी है, अगर किसके जिसके पास बुक है तो वो अपना ये बुक में भी फिल कर लेना, जिसके पास बुक नहीं है तो वो अपनी कॉपी में करेगा, लेकिन जिसके पास बुक है वो इस बुक में भी फिल करेगा, प्लस कॉपी में भी उसको करना है। उसके बाद सेकेंड है राइट द नंबर नेम्स, इसमें आपको नंबर नेम्स लिखने हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है ना 137, तो उसी तरह आपको बाकी भी करने हैं। जैसे सेकेंड है 185 है, 116 है, 138 है, 143 है, इस तरह बाकी दे रखे हैं, वैसे ही आपको करने इनके नंबर्स को नेम्स देने आपको। तो ये पहले काउंटिंग करेंगे आप, फिर ये नंबर नेम्स करेंगे। तो ये दोनों आपको कॉपी में करने, और जिसके पास बुक्स हैं वो दोनों को फिल करेगा बुक्स में ही। तो ये आपका मैथ्स का होमवर्क है।